हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के जो भी गवर्नमेंट बीएमएस के कॉलेजेस हैं उनके राउंड टू की क्लोजिंग कट ऑफ बताने वाला हूं। ठीक है, महाराष्ट्र का जो स्टेट क्वाटा का जो आयुष का बीएमएस बीएचएमएस और बीयूएमएस का राउंड टू का अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको जो भी गवर्नमेंट बीएमएस के कॉलेजेस हैं उनकी कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ गई है सारे कैटेगरीज में, ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और वीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, इन सारे कैटेगरीज का बताने वाला हूँ। और आपको भी पता है सारे कैटेगरीज में दो सब कैटेगरी होता है, एक कॉमन क्लोजिंग रैंक और एक वुमेन क्लोजिंग रैंक। कॉमन मतलब जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का एडमिशन होता है, वुमेन क्लोजिंग रैंक मतलब जिसमें वुमेन्स का ही सिर्फ क्वाटा होता है उसका। ठीक है, तो मैं आपको सारे कॉलेजेस का बताने वाला हूँ। तो महाराष्ट्र में टोटल 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें से दो माइनॉरिटी है जिनका मैं लास्ट में बताऊँगा और 20 नॉर्मल उनका मैं पहले बताऊँगा। और ऑलरेडी मैंने ओवरऑल क्या बीएमएस का कट ऑफ गया है उसका वीडियो डाल दिया है, तो वो भी आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू देख सकते हो या प्लेलिस्ट में अलग से महाराष्ट्र का बीएमएस का प्लेलिस्ट है, आप उसमें भी जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम जीएमसी जलगांव। ठीक है, साथ में बहुत सारे बच्चे मुझे डाउट पूछ रहे थे कि सर प्राइवेट का वीडियो कब आएगा, प्राइवेट का कॉलेज वाइज और प्राइवेट का जो ओवरऑल है वो भी वीडियो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कल या परसों में आ जाएगा। थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि 66 कॉलेज है, इसलिए डेटा निकालने में टाइम लग रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको बीएमएस का कंप्लीट लास्ट तक काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। साथ में राउंड टू हो गया है तो थोड़ा थोड़ा रूल्स जो है वो चेंज होते हैं, तो मैंने ऑलरेडी जो भी राउंड जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस का जो रूल्स है सारे राउंड्स का और जो प्रोसेस है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, उसके अलग से एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपका सारा प्रोसेस एंड रूल्स रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आर्य पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई का, तो आप देख सकते हो इसमें ओपन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का कॉमन एंड वुमेन में क्लोजिंग रैंक राउंड टू में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आर्य पोद्दार का ही वीजे, एनटीबी, एनटीसी और एनटीडी कैटेगरी में क्या क्लोजिंग रैंक है वो आप देख सकते हो कॉमन में और वुमेन में, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसको मैंने ऑर्डर वाइज अरेंज किया है, रैंक से ऑर्डर वाइज अरेंज किया है। ठीक है, रैंक वाइज पूरा कॉलेज को, तो आपको राउंड थ्री में जो फीलिंग है चॉइस फीलिंग है उसमें भी हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज है आरएसएम तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे, आप इसका देख सकते हो ओपन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आरएसएम का ही वीजे, एनटीबी, एनटीसी और एनटीडी का है, ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज है एबीपी मंडल आयुर्वेदिक महाविद्यालय सायन मुंबई, इसका भी आप देख सकते हो राउंड टू का क्लोजिंग कट ऑफ, ओपन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको इसका ज़रूरत है तो। और नेक्स्ट इसी कॉलेज का बीजे, एनटीबी, एनटीसी और एनटीडी में सर जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ आपने फिल नहीं किया है क्या? एक्चुअली उस पर्टिकुलर कैटेगरी के सब कैटेगरी से अलॉटमेंट नहीं हुआ है इसलिए वहाँ आपको ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है अस्तांग आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे, आप देख सकते हो इसका सारे कैटेगरीज का ओपन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट यही अस्तांग का ही है, बाकी के चार कैटेगरीज का वीजे, एनटीबी, एनटीसी और एनटीडी किस किस रैंक पे क्लोज हुआ है कॉमन एंड वुमेन में। नेक्स्ट कॉलेज है जीएससी नांदेड़, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़, आप देख सकते हो ओपन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का सारे कैटेगरीज का, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लोजिंग रैंक है कॉमन और वुमेन में। नेक्स्ट इसी कॉलेज का नांदेड़ का वीजे, एनटीबी, एनटीसी और एनटीडी में क्या कट ऑफ रहा है वो आप देख सकते हो इन कैटेगरीज में। नेक्स्ट कॉलेज है जीएससी नागपुर, ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आप देख सकते हो इसका सारे कैटेगरीज में ओपन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जीएससी नागपुर का ही आप वीजे, एनटीबी, एनटीसी और एनटीडी में भी आप कट ऑफ देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कॉलेज है एएमपी आयुर्वेदिक कॉलेज पंचवटी नासिक, ठीक है, ओपन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद इसी कॉलेज का बीजे, एनटीबी, एनटीसी और एनटीडी का है, ठीक है, एनटीडी में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो ईएमआर मैंने गलती से लिख दिया है, ठीक है, कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज धाराशिव, ठीक है,
इसका पुराना नाम उस्मानाबाद था बट अभी धावड़ा सी हुए, ठीक है। तो आप इसका सारे कैटेगरीज का देख सकते हो, ओपन EWS OBC SC ST का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। GAC धावड़ा सी का आप बाकी कैटेगरीज में भी देख सकते हो, VJ NTB NTC NTD। नेक्स्ट कॉलेज है GS गुने आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदनगर, इसका राउंड टू का जो क्लोजिंग कट ऑफ है आप देख सकते हो, ओपन EWS OBC SC ST का, और ये BJ NTB NTC NTD का है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसका भी आपको गरज है। नेक्स्ट कॉलेज है श्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय नागपुर SAM नागपुर का, आप देख सकते हो इसका ओपन EWS OBC SC ST का कैटेगरी वाइज पूरा, और इसी कॉलेज का VJ NTB NTC और NTD का भी आप देख सकते हो, श्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय नागपुर का। नेक्स्ट कॉलेज है VDP आयुर्वेदिक कॉलेज सांगली, आप देख सकते हो ओपन EWS OBC SC ST का सांगली का, और साथ में सांगली का जो VJ NTB NTC और NTD का क्या कट ऑफ गया आप वो भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लो। नेक्स्ट कॉलेज है GAC बारामती, बारामती का भी आप देख सकते हो ओपन EWS OBC SC ST में, और साथ में VJ NTB NTC NTD में क्या कट ऑफ गया वो भी आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कॉलेज जो है SCM आर्यंगला आयुर्वेदिक कॉलेज सातारा, ठीक है, इसका भी आप देख सकते हो ओपन EWS OBC SC ST में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। साथ में आप VJ NTB NTC और NTD का भी देख सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है VS आयुर्वेदिक कॉलेज सावंतवाड़ी, आप इसका भी कट ऑफ देख सकते हो सारे कैटेगरीज का, ओपन EWS OBC SC ST, ठीक है, और साथ में सावंतवाड़ी का या VJ NTB NTC NTD का भी देख सकते हो। VJ में इसलिए खाली है क्योंकि कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है VJ कैटेगरी से। नेक्स्ट है RT आयुर्वेद महाविद्यालय अकोला, आप देख सकते हो इसका भी कट ऑफ ओपन EWS OBC SC ST के लिए क्लोजिंग रैंक, और साथ में VJ NTB NTC NTD के लिए भी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। नेक्स्ट कॉलेज है GAC जलगांव गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जलगांव, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे कैटेगरीज का, ओपन EWS OBC SC ST, और साथ में VJ NTB NTC NTD का क्या कट ऑफ रहा है इस कॉलेज का। नेक्स्ट कॉलेज है VAM अमरावती विदर्भ आयुर्वेदिक महाविद्यालय अमरावती, आप देख सकते हो इसका कट ऑफ, कॉलेज पूरा कैटेगरी वाइज है ओपन EWS OBC SC ST का, और साथ में बाकी चारों कैटेगरीज का VJ NTB NTC और NTD का। नेक्स्ट कॉलेज है KVT रणधीर आयुर्वेदिक कॉलेज धुले, इन सब कॉलेजेस का कट ऑफ थोड़ा कम है बट ओवरऑल तो हाई है ही, ठीक है, पिछले साल के कंपेयर में, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओपन EWS OBC SC ST का, इसी धुले के कॉलेज का VJ NTB NTC NTD में भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज है श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक महाविद्यालय अमरावती, आप देख सकते हो इसका भी कट ऑफ, ठीक है, ओपन EWS OBC ST का, और साथ में VJ का क्या गया, NTB का, NTC का और NTD का। NTB में इस कॉलेज में कोई अलॉटमेंट नहीं है इस कैटेगरी में। नेक्स्ट कॉलेज है जिसका मतलब ओवरऑल जो माइनॉरिटी को छोड़ के जो 20 कॉलेजेस है जिसका कट ऑफ सबसे कम गया है वो यवतमाल का एक कॉलेज है। तो मतलब आप देख सकते हो राउंड वन और राउंड टू में ज़्यादा फर्क नहीं है, राउंड वन में जनरल ओपन में 1,26,000 तक हुआ था, राउंड टू में 1,33,000 तक हुआ है, सारे कैटेगरी में बस 7-8 हज़ार रैंक ऊपर ही गया है, ठीक है, तो काफ़ी हाई है कट ऑफ आप देख सकते हो। DMM आयुर्वेदिक महाविद्यालय यवतमाल का आप देख सकते हो ओपन EWS OBC SC ST में कट ऑफ, ठीक है, कॉमन क्लोजिंग भी और वुमेन में भी। नेक्स्ट इसी कॉलेज का आप देख सकते हो VJ NTB NTC और NTD का भी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है दो माइनॉरिटी कॉलेजेस है, सबसे पहला है KG मित्तल आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई और दूसरा है SGRA सोलापुर। तो KG मित्तल जो हिंदी माइनॉरिटी का कॉलेज है तो बस उसमें आपका हिंदी माइनॉरिटी होना चाहिए, ठीक है, तो उसका एफिडेविट बना के भी दिखाना होता है अपने को। तो आप देख सकते हो ओपन में जो कॉमन क्लोजिंग रैंक है वो 1,63,240 है और वुमेन में 1,61,039 है, मतलब सारे स्टूडेंट ओपन ही कंसिडर होते हैं इसमें, ठीक है, देख सकते हो आप, जबकि राउंड वन में देखेंगे तो 1,59,000 तक हुआ था, तो ज़्यादा इसका वो कट ऑफ का वेरिएशन नहीं आया है, ठीक है, राउंड टू में।
नेक्स्ट है SGRA आयुर्वेदिक कॉलेज सोलापुर, ये कॉलेज जो है जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, ठीक है, ये माइनॉरिटी कॉलेजेस है इसलिए आपको यहाँ कट ऑफ थोड़ा लो दिखता हुआ दिख रहा है, ठीक है, लो होता हुआ दिख रहा है, बट ये माइनॉरिटी कॉलेजेस है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कॉमन में 293,345 और वुमेन में 282,981। तो ये मैंने आपको पूरा कॉलेज वाइज 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस का पूरा कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज पूरा कट ऑफ बता दिया है, राउंड टू का क्लोजिंग कट ऑफ, ठीक है। ओवरऑल का भी वीडियो आ चुका है, आप वो भी जाके देख सकते हो, और साथ में प्राइवेट का भी वीडियो कल या परसों डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।